हेलो व्यवर्स दृष्टि आई के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके डियर व्यूअर्स इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के परस्पेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखते हैं डी एन व्यूवर्स हम आशा करते हैं दृष्टि आई एस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस प्रिय व्यूवर यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आई इंग्लिश पर जाए आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है आज का एडिटोरियल हमने द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है जो कि 27 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है आज के है, आज के के एडिटोरियल एडिटोरियल का शीर्षक है कीप द यदि को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में सीरो सर्वे के परिणाम अवस्तकारी रहे हैं लेकिन चूंकि कोरोना वायरस एक अनप्रिडिक्टेबल प्रवृत्ति रखता है आत्मसंतुष्ट हो जाने की गलती नहीं की जानी चाहिए यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से, से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर थ्री जिसमें सेक्शंस जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजी इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु दिल्ली में आयोजित सीरो सर्वे के नवीनतम दौर के परिणाम उस बात की पुष्टि करते हैं जिसका अनुमान पिछले कुछ समय से कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कर रहे थे कि आबादी में कोविड-19 का प्रसार उच्च स्तर पर पहुंच गया है जहां सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति या हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति रोग नियंत्रण में एक उल्लेखनीय भूमिका निभाना शुरू कर सकती है देखिए अभी हाल ही में जो सीरो सर्वे के जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं उसको देख करके कई साइंटिस्टों और हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा की गई बात की पुष्टि हो रही है उनके द्वारा कहा गया कथन यह था कि अब आबादी में कोविड 19 का प्रसार उस स्तर पर पहुंच गया है जहां पर लोगों ने इस बीमारी के खिलाफ अपने शरीर में एक हर्ड इम्यूनिटी जो है डेवलप कर ली है और ये हर्ड इम्यूनिटी जो है ये एक सामूहिक रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है ये आने वाले समय में एक बहुत जरूरी उल्लेखनीय भूमिका निभाएगी अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े थोड़ी सी जानकारी जरा से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि ये सीरो सर्वे क्या है किस तरीके से पता लगाया जाता है इसमें होता क्या है अब देखिए यदि हम लोग शुरुआत की बात करें तो ये सीरो सर्वे की जो शुरुआत थी ये हम लोगों ने जून के महीने से खासतौर से जुलाई के महीने से हम लोगों ने इन सीरो तो समझिए कि ये जो सीरो सर्वे हैं इनकी मदद से यह पता लगाया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण कितना फैला है कितनी बड़ी आबादी इस वायरस की जद में आई है और कितनी आबादी में जो लोग हैं लोगों के अंदर इस वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है या फिर उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है अभी अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला जो सीरो सर्वे आई -सी ने करवाया था वो चौबीस हजार लोगों पर करवाया था देश की राजधानी दिल्ली में भी तेजी से बढ़ते हुए संक्रमण के बीच जो केजरीवाल सरकार थी उन्होंने सीरो सर्वे कराने का फैसला लिया था अब किस तरीके से होता है थोड़ा सा देखते हैं अब यदि सीरो सर्वे की हम लोग बात करें तो सीरो सर्वे में यह होगा कि अलग अलग जो जिले हैं उन जिलों में चुनिंदा टीमें जो हैं वो जाएंगी लोगों के सैंपल कलेक्ट करेंगी इन सैंपलों की जांच के नतीजे के आधार पर यह पता चलेगा कि कोरोना के खिलाफ लोगों में किस तरह एंटीबॉडी विकसित हो रही है और एंटीबॉडी विकसित होने की दर क्या है सभी सैंपल्स की जांच के आधार पर एक रिपोर्ट करके तैयार को सौंपा जाता है लोगों के ब्लड सैंपल की जांच करके महज आधे घंटे में यह पता लगाया जा सकता है कि जिस व्यक्ति का सैंपल लिया गया है उसके अंदर वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी विकसित हुई है या नहीं सैंपल की जांच के लिए एक विशेष किट का इस्तेमाल किया जाता है तो ये हम लोग बोलते हैं जनरली अब इसी सीरो सर्वे के हिसाब से अगर विशेषज्ञों की बात माने अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है लेकिन उसमें लक्षण नहीं दिखते तो ऐसे लोगों में पांच से सात दिन के अंदर अपने आप एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है जो वायरस को शरीर में पनपने नहीं देती सीरो सर्वे का उद्देश्य इसी दर को पता करना है तो ये तो बात हो गई आपके सीरो सर्वे की यहां पर दो और बातें हुई सबसे पहली जो बात हुई वो जो दिल्ली में जो सीरो सर्वे हुआ थोड़ा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे तो देखिए दिल्ली में ये पांचवा सीरो सर्वे था और यदि इस सीरो सर्वे की रिपोर्ट माने तो दिल्ली में लगभग 50 फीसदी लोगों में कोरोना संक्रमण के बारे में पता चला है ये लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए और फिर ठीक होने के बाद इनके शरीर में एंटीबॉडी भी विकसित हुई ये जो पांचवा सीरो सर्वे का जो रिजल्ट था यह हमारे सामने संडे को आया हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन जानकारी यह है कि पांचवें सीरो सर्वे के तहत दिल्ली के 11 जिलों में 28,000 लोगों के सैंपल लिए गए थे जिनमें से 50 फीसदी यानी 14,000 लोगों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई यह हो गई बात जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट दिल्ली में आई है अब हम लोग बात करते हैं एक और टर्म की जो हर्ड इम्यूनिटी हमने सुना अब ये देखिए अगर हम लोग लड़ने की बात करें कोरोना से तो दो अलग हथियार हैं हमारे पास पहला हथियार है कि भाई आप अपने अपने घरों में रहें किसी भी तरीके की लोगों से मिलना जुलना बंद करें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जो दूसरा है वो ये कह रहा है कि भाई इम्यूनिटी डेवलप हो अब अगर इसके तहत अगर हम लोग बात माने तो ये कहा जा रहा है कि लोगों को घर से बाहर निकलना अगर बात करें लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं जैसे ही लोग घरों से बाहर निकलेंगे यह संक्रमण उन्हें जकड़ लेगा इसलिए हमें इसका सामना करने की जरूरत है जितने ज्यादा लोग इससे संक्रमित होंगे इंसानी जिस्म में इससे लड़ने की उतनी ज्यादा ताकत पैदा होगी इसी को ही हम लोग कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी अब हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता इसका मतलब यह है कि भविष्य में लोगों को बचाने के लिए फिलहाल आबादी के एक तय हिस्से को वायरस से संक्रमित होने दिया जाए इससे उनके जिस्म के अंदर संक्रमण के खिलाफ सामूहिक इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी इससे शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी जिसे उनके जिस्म से निकालकर वैक्सीन तैयार करने की कोशिश की जा सकती है तो यह तो बात हो गई आपकी हर्ड इम्यूनिटी की अब आगे बढ़ते हैं परिणाम बताते हैं कि दिल्ली में कम से कम कुछ क्षेत्रों में रोग का प्रसार 50 प्रतिशत से अधिक हो चुका है इससे पहले केवल पुणे में सितंबर में किए गए गंभीर सर्वेक्षण में इस तरीके के व्यापक प्रसार और हर्ड इम्यूनिटी के विकसित होने की संभावना की पुष्टि की गई थी अब जो मैंने आपको बताया कि लगभग पचास जो आबादी है दिल्ली में जिनका सैंपल लिया गया है उन्होंने एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होते हुए दिखाई ये फिगर बहुत मोटिवेटिंग है क्यों क्योंकि दिल्ली दूसरा शहर बन गया है पुणे के बाद जहां पर लगभग पचास फीसदी जो लोग हैं जिनका सैंपल लिया गया है उन्होंने एक तरीके की हर्ड इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप कर ली है वर्तमान परिदृश्य की बात करें एक ऐसे परिदृश्य में जहां संक्रमित तो लोगों की एक बड़ी संख्या केवल कुछ ही या मृद लक्षणों को ही प्रकट करती है एक उच्च रोग प्रसार दर अवस्तकारी साबित हो सकती है या उन कुछ उल्लेखनीय कारणों में से एक हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में बीमारी का प्रसार काफी कम हो गया है और सामने आ रहे मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है अब देखिए ये हम जो हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात है सबसे प्लस बात है वो ये है कि भाई अब ऐसी सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं कि भाई कोरोना में अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं कई बार लोग सिम्टोमैटिक होते हैं जिनमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं कई बार लोग एसिम्टोमैटिक होते हैं जिसमें कोई सिम्टम हमको दिखाई नहीं देता अब ऐसे अगर केस होते हैं तो वहां पर ये जो एक उच्च रोग प्रसार दर जो हम लोग देख रहे हैं ये, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके से पिछले तीन साढ़े तीन महीनों में हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की जो गति है जो रफ्तार है भारत में वो काफी कम हो गई है और जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं अभी जो नंबर ऑफ केसेस लगातार गिरते जा रहे हैं इसके पीछे एक बहुत प्रमुख कारण यह हो सकता है कि लोगों ने एक तरीके की इम्यूनिटी जो है सामूहिक तौर पर एक इम्यूनिटी डेवलप कर ली है जिसके कारण ये जो रोग है इसमें हमें गिरावट नजर आ रही है लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन परिणामों से यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि महामारी का अंत हो गया है या कि पूरी आबादी ने दीर्घकालिक प्रतिरक्षा हासिल कर ली है हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमें अभी भी ढिलाई बरतने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए क्यों क्योंकि सबसे पहली चीज कोविड महामारी अभी भी है कोविड खत्म नहीं हुआ है और दूसरी चीज हमारे पास अभी वो आंकड़ा नहीं है वो डेटा नहीं है जहां पर हम ये कंफर्म तौर पर कह सकें कि पूरी आबादी ने दीर्घकालिक प्रतिरक्षा हासिल कर ली है इस बीमारी के खिलाफ अब सब ठीक है अब किसी को कोरोना नहीं हो सकता अभी भी जरूरत है कि हम लोग अपने तरफ से कड़ाई बरकरार रखें ऐसा इसलिए क्योंकि इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण विवरण अभी उपलब्ध नहीं है यह अभी ज्ञात नहीं है कि प्राकृतिक संक्रमण या टीकाकरण के माध्यम से प्राप्त प्रतिरक्षा कितने समय तक के लिए बनी रहेगी जो सबसे बड़ा प्रश्न मैंने आपसे कहा वो ये कि नंबर एक जो प्रतिरक्षा जो डेवलप हुई है शरीर में वो कितने समय तक के लिए रहेगी और नंबर दो ये जो टीकाकरण अभियान चल रहा है जो टीके लगाए जाएंगे ये भी कितने समय तक कारगर होंगे अभी इसको भी देखने की जरूरत है इसलिए आवश्यक है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत भर से आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए और ना ही मास्क के प्रयोग या शारीरिक दूरी रखने जैसे मानदंडों में कोई ढिलाई रखनी चाहिए इसी प्रकार सीरो सर्वेक्षण के परिणाम कितने भी आवश्यकारी हों अभी लापरवाही नहीं की जानी चाहिए इसलिए देखिए सरकार भी बार बार बोल रही है कि भाई भले ही टीकाकरण अभियान शुरू हो गए हैं तो आपको लेकिन यह जरूरी है कि आप ढिलाई बिल्कुल ना बरतें मास्क का उपयोग लगातार होते रहना चाहिए और उसके साथ ही साथ जो सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई उस पर भी लगातार आपको फोकस करना चाहिए उसी तरीके से सीरो सर्वे के रिजल्ट्स बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही है लेकिन अभी हमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतनी है आगे का रास्ता इसके साथ ही सरकार को कई और स्थानों पर आधिकारिक सीरो सर्वे का आयोजन करना चाहिए यही यह जानने का एकमात्र तरीका होगा कि परीक्षण द्वारा प्रकट संख्याओं से परे जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति क्या है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा देशव्यापी सीरो सर्वे का अंतिम दौर जुलाई अगस्त माह में आयोजित किया गया था उसके बाद कुछ प्रमुख शहरों में व्यक्तिगत अनुसंधान समूह द्वारा यह सर्वेक्षण किया जा रहा है सरकार को एक चीज और करनी चाहिए कि अभी जैसे कुछ चुनिंदा शहरों में हो रहा था सरकार को अब इसको कई अन्य शहरों में लेकर के जाने की जरूरत है ताकि जमीनी स्तर पर हमें आंकड़े पता चल सके कि कोरोना महामारी में एक्चुअली में हो क्या रहा है इस तरह के आंकड़ों के अभाव में सितंबर के मध्य से संक्रमण के मामलों में आ रही गिरावटों के कारण को समझना संभव नहीं होगा ना ही पिछले तीन माह में से केरल में मामलों की लगातार वृद्धि को ही समझा जा सकता है अब देखिए यह अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक जगह देश में जहां कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार गिर, गिरते जा रहे हैं केरल में ये जो नंबर्स हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक अंदाजा लगा लेना कि लोगों ने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है इस वजह से केसेस कम हो गए सितंबर के बाद से ये सोचना थोड़ा सा गलत होगा ये साइंटिफिक नहीं लगता कहीं से तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या केरला के लोगों ने ये हर्ड इम्यूनिटी अपने अंदर विकसित नहीं कर पाया अभी तक तो थोड़ा सा हमें जो ना साइंटिफिक फैक्ट्स पर बात करनी पड़ेगी तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी आंकड़ों के अभाव में यह समझना भी कठिन होगा कि भारत में इस महामारी का प्रक्षिप प्रवक दुनिया के अन्य देशों से इतना अलग क्यों है विश्वसनीय और पारदर्शी तरीके से प्राप्त आंकड़े वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की स्थिति का बेहतर आंकलन करने और भविष्य की तैयारियों के लिए सुधार लाने में मदद कर सकते हैं देखिए इस समय जो एक लौती चीज है वो ये है कि जो भी आंकड़े हमारे वैज्ञानिकों के पास हमारे जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ उनके पास आ रहे हैं वो पूरे तरीके से विश्वसनीय हों और पूरे तरीके से पारदर्शी हो क्योंकि जब तक वो आंकड़े पारदर्शी और विश्वसनीय नहीं होंगे तब तक ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये जो हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स हैं ये सही तरीके से उस पर काम नहीं कर पाएंगे और हमें इस समस्या को जो निपटानी का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि एक विश्वसनीयता और एक पारदर्शिता बनाई जाए सो so व्यूवर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ सवाल बन सकते हैं जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं जैसे कि आपसे हर्ड इम्यूनिटी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे एंड्योरिंग इम्यूनिटी के बारे में पूछा जा सकता है साथ ही साथ सीरो सर्वे क्या होता है उसके बारे में एक जानकारी ली जा सकती है और आईसीएमआर के बारे में भी आपसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा सकती है तो व्यूवर्स ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस आई होप आप सभी को एनालिसिस बहुत पसंद आया हो धन्यवाद